लॉकडाउन के चलते समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं। माधवगंज में थाने को सैनिटाइज किया गया है, वहीं किसी ने मास्क बांटे हैं तो कहीं चाय का वितरण किया गया है। शहर में लॉकडाउन के चलते शहरवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष महेंद्र भट्टकारिया जी ने यह मोर्चा संभाला है। कब से आप सेवा दे रहे हैं, जैसे कि सैनिटाइजर की, जैसे कि आपने अभी थाने में लगाया है, और कहां कहां ये करते हुए? महादेव की जय बोलो जी। इतने आसपास खड़े हैं सब, भोलेनाथ के भगत है, और कोई ना कोई असरनाथ बाबा तो इनमें से जरूर जाता है। जो बाबा की प्रणाम के साथ, बाबा की प्रणाम के साथ कोई मास्क बांट रहा है आप देख रहे हैं, कोई चाय बांट रहा है, कोई सैनिटाइज कर रहा है, जैसे असरनाथ की कृपा से चल रहा है। और इस ग्वालियर शहर जो कोरोना मुक्त हुआ है, जो अचलेश्वर महादेव की कृपा से हो रहा है। 1920 में एक बार आपने सुना होगा हैजा की बीमारी हुई थी, अपने फूलबाग पर मरी माता का मंदिर आप सुना होगा। जब तक वो मंदिर है अपने ग्वालियर में महामारी नहीं आ सकती, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि अचलनाथ भगवान जैसे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शनों का महत्व है, ऐसे अचलेश्वर महादेव के दर्शनों का महत्व है। क्योंकि मेरी आस्था मन भावना सब उनसे जुड़ा है, इसलिए मेरा मानना तो ये है कि भगवान की जो सेवादार है, जो बाबा का भक्त है, उसको कभी कोरोना हो नहीं सकता। लेकिन जो असलनाथ का भक्त है, ईश्वरवादी लोग हैं, ऐसे जो सेवाधारी लोग हैं, इनको कभी कोरोना टच कर ही नहीं सकते। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम नवीन गुप्ता है। कब से आप मास्क बांट रहे हैं यहाँ? मास्क तो सर हम 5-6 दिन से बांट रहे हैं। इससे पहले 15-16 दिन हमने खाने का वितरण किया, वो भी गरीब बस्तियों में, झुग्गियों में, आउटर में, जहाँ प्रशासन नहीं पहुँच पा रहा। कंटिन्यू 250-300 पैकेट बना के और उस बस्तियों में निकले हम जहाँ पर प्रशासन नहीं पहुँच रहा है। अभी आप मास्क कितने मास्क तकलीफ 5,000 से ऊपर 6,000 बांट चुके हम 5-6 दिन के अंदर। और आगे क्या करने की आपकी और आगे प्लानिंग है? ये 10 दिन का पूरा जो टास्क है प्रशासन ने बोला है, मना किया है, उसके बाद में अब पूरी सब्जी की जगह हम छोले चावल या पुलाव वगैरह शुरू करेंगे। छोड़ दो। क्या नाम है आपका भाई साहब? संगीत पारप्यानी जी। जी यहाँ पर आप जो चाय बांट रहे हैं, कब से आपने बांटते हुए? जब से लॉकडाउन चालू हुआ है। कहाँ कहाँ वितरण कर रहे हैं इस चाय का? कहाँ कहाँ वितरण कर रहे हैं आप? जहाँ पे प्रशासन लगा हुआ है और हॉस्पिटल, जहाँ ईश्वर करवा है वहाँ पे चले जाते हैं। अब लगातार ये लॉकडाउन बंद हुआ है, तब से आप जिस सेवा करते हुए? लगभग 4-5 दिन के बाद से शुरू कर दी थी हमने लॉकडाउन होने के बाद। हाँ जी,